गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 8 अर्थात पोयम में हम देखेंगे भिक्षुक, जिनके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। अभी त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, उसके बाद हम भिक्षुक कविता का भावार्थ समझेंगे। तो यहाँ पर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ। इन्होंने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी हाई स्कूल की कक्षा तक आते आते सीख ली। निराला जी का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा। सन 1916 में इन्होंने जूही की कली की रचना की। 1922 में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन किया और 1923-24 में मतवाला का संपादन किया। 3 वर्ष बाद ये लखनऊ आ गए और गंगा पुस्तकमाला का संपादन करने लगे। यह स्वभाव से विद्रोही तथा निर्भीक थे। वे बहुत स्पष्टवादी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थे। परिमल, जूही की कली, गीतिका, अनामिका, राम की भक्ति पूजा, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। 15 अक्टूबर 1961 को इनका देहावसान हुआ। अब हम देखेंगे भिक्षुक का भावार्थ। यहाँ देखेंगे भिक्षु का भावार्थ। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। यहाँ पर कवि निराला जी कह रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे निराला जी का जीवन जिस प्रकार से गुजरा उसी प्रकार से यहाँ पर जो उन्होंने कविता लिखी वह उन्होंने भी एक दुखदायी भिखारी की कविता के बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसे हम भिक्षुक भी कहते हैं। पहले तो यहाँ लिखा हुआ है वह आता अर्थात जो भिक्षुक है, जो भिखारी व्यक्ति है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, यानी उसका जो हृदय है, कलेजा अर्थात जो उसका हृदय है वह दो टुकड़े में बट जाता है और पछताता पथ पर आता। पछताता अर्थात वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पथ अर्थात मार्ग रास्ते पर आता है, उसके शरीर उसके हृदय के दो टुकड़े हो गए हैं, वो इतना दुखी व्यक्ति है, इतना दुखी हो गया है कि वो पछता रहा है और सड़क पर भीख मांग रहा है, लेकिन अभी तक उसे किसी प्रकार की भीख नहीं मिल पाई है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट और पीठ दोनों हैं मिलकर एक, दोनों ऐसे लग रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कि पेट कहाँ और पीठ कहाँ, जो उसका पेट है वो पीठ के अंदर एकदम लग गया है, तो ना तो पेट का पता चल रहा है ना पीठ, इतने भूख के कारण उसका जो पेट है वो पीठ में घुसा जा रहा है, दोनों ही समान लगने लगे हैं। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया का मतलब होता है लाठी, लाठी को टेकता भूखा प्यासा कमज़ोर व्यक्ति, वह लकुटिया को अर्थात लाठी को टेकते टेकते सड़क पर आ जाता है और सड़क पर भीख मांग रहा है अर्थात वो भिक्षा मांग रहा है, लेकिन अभी तक उसे किसी प्रकार की भीख नहीं मिली है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह चाहता है कि उसे मुट्ठी भर ही कुछ मिल जाए जिससे उसके पेट में जो भूख लगी है, जो पेट में उसके आग लगी हुई है उसे वो मिटा सके, क्योंकि उसे मुट्ठी भर दाना भी असह्य हो गया है, उसे मुट्ठी भर दाना भी नहीं मिल पा रहा है,
वो इतना दुखी हो गया है, वो चाहता है कि कहीं से उसे मुट्ठी भर दाना मिल जाए और जो उसके पेट में जो उसे भूख लगी है उसकी थोड़ी सी प्यास मिट जाए। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी अर्थात जो उसके पास एक झोली है जिसमें वो अपनी भिक्षा भीख मांग कर रखता है, वह झोली भी उसकी कैसी है, फटी पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी फटी हुई थैली को फैला रहा है सबके सामने, आने जाने वाले जो भी मुसाफिर हैं सबके सामने वो अपनी फटी हुई थैली को फैलाता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, उसके हृदय के टूक कलेज अर्थात टूक मतलब टुकड़े हो जाते हैं, उसके हृदय के टुकड़े हो जाते हैं, वो इतना दुखी हो गया है और रास्ते पर आते आते वो पछता रहा है कि अभी तक मुझे किसी प्रकार की भिक्षा या भीख नहीं मिल पा रही है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, साथ में उसके दो बच्चे भी हैं जो हाथ दोनों हाथ फैलाए हुए, सदा मतलब हमेशा दोनों हाथ फैलाए हुए उसके साथ साथ चल रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बाएं अर्थात जो हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला जो हाथ है, बाएं अर्थात जो लेफ्ट वाला हमारा हाथ है उसे क्या कर रहे हैं, अपने पेट को मल रहे हैं, अर्थात जो मुसाफिर आने जाने वाले उनके सामने अपने हाथ से अपने पेट को मलते और दूसरे हाथ से भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे कि हमें बहुत भूख लगी। पेट के ऊपर हाथ मलने का मतलब है कि हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने को दे दो। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, और दाहिना हाथ कहाँ बढ़ा रहे हैं, भीख मांगने के लिए बढ़ा रहे हैं। दया दृष्टि इतनी उनकी आँखों में इतनी भावुकता भरी है कि उनकी आँखों से हमें दया दृष्टि से वो लोगों को देख रहे हैं कि हमें कुछ न कुछ लोग हमें खाने को दे दें। इस प्रकार से वह अपना दाहिना अर्थात राइट हाथ बढ़ाकर वह दया की भीख मांग रहे हैं। भूख से सूख ओंट जब जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सको तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब वो लोग अपने दोनों हाथों को एक हाथ से पेट को मल रहे हैं और दूसरे हाथ से भीख मांग रहे हैं, लोगों की तरफ दया दृष्टि से देख रहे हैं कि कोई इन्हें कुछ दे दे, पर इन्हें कोई कुछ देता नहीं है। भूख से सूख होंठ जब जाते, और भूखे प्यासे दोपहर भर इतनी गर्मी में वे सड़क पर खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, तो उनके मांगते मांगते उनके होंठ जो होते हैं, जो उनके होंठ होते हैं वो सूख जाते हैं भूख और प्यास के कारण। दाता भाग्य विदाता से क्या मांगे, वो कह रहे हैं कि दाता ने अर्थात ईश्वर ने भाग्य में हमारे जो लिख दिया है तो हम विदाता से और क्या मांगे, जो हमारी मुसीबत है वो भगवान ने हमें दे दिए तो अब उसके आगे हम कुछ कर सकते नहीं है। घुट आंसुओं के पीकर रह जाते, इस तरह भगवान से शिकायत करते हैं और फिर से आंखों में आंसू बहने लगते हैं, फिर से वो अपने आंखों के जो आंसू हैं वो दुख के कारण वो अपने आप को फिर से शांत करके फिर से वो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, जब उन्हें भीख मांगा मांग कर भी उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, तो उनके ओंट भी सूख रहे हैं, उनके पेट में इतनी भूख लगी हुई है, कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे ईश्वर से कहते हैं भगवान आपने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है, इस तरह वे दुखी और विवशता के आंसुओं को पी रहे हैं। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो एक जगह पर जब लोग खा खा के जूठी पत्तल को फेंक देते हैं सड़कों पर, तो उस जूठी हुई पत्तल को जाकर खुद चाटने लगते हैं, खुद उस जूठी पत्तल में जो कुछ होता है उसे वह सड़क पर पड़ी हुई जूठी पत्तलों को वो उठाकर खाने लगते हैं उसके अंदर से, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े। देखो भाग्य ने कैसा लिखा है, विदाता भगवान ने इनके नसीब में कैसा लिखा हुआ है कि
जब वो जूठी पत्तल उठाकर सड़क पर से जूठी पत्तल उठाकर भी चाट रहे हैं, मतलब उसमें जो कुछ लगा हुआ उसे खा रहे हैं, तो उस समय जो कुत्ते होते हैं वे भी उनसे वो प्लेट को झपट रहे हैं अर्थात छीन रहे हैं। कुत्ते भी वहाँ पर अड़े हुए खड़े हैं, जो कुत्ते भी उन्हें खाने नहीं दे रहे हैं। ठहरो, अब निराला जी का जो हृदय है बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। यह सब देख के निराला जी एकदम दुखी हो जाते हैं, निराला अर्थात लेखक बहुत दुखी हो जाते हैं और यह दृश्य देख कर व्यथित हो उठते हैं और वे कहते हैं कि अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। कहते हैं कि वे अपने हृदय में निहित प्रेम जैसे अमृत तत्व को उस भिखारी तथा बच्चे पर न्यौछावर करना चाहते, सींच देना अर्थात न्यौछावर करना चाहते कि मेरे मन में जो प्रेम जो अमृत है वह मैं सब उस भिखारी और उसके बच्चे पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि वे समाज के उपेक्षित एवं तिरस्कृत इन बच्चों को अभिमन्यु जैसे हो सको तुम, तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम भी अभिमन्यु के समान संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं सजग हो जाओ, क्योंकि यह समाज कैसा है कि अभिमन्यु ने अकेले होकर सबसे संघर्ष किया, तो तुम भी एक अभिमन्यु की तरह इस संसार में संघर्ष करो और सजग बन जाओ। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में सींच लूँगा, तभी तुम्हारे इस दुखों का निवारण हो सकेगा, इन कष्टों का निवारण हो सकेगा, अन्यथा तुम्हारे इन कष्टों का निवारण नहीं हो सकता। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें भी संघर्ष करते रहना, हार मानना नहीं है, संघर्ष करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारे कष्ट अवश्य ही निवारण तुम्हारे कष्टों का निवारण होगा, तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। इस तरह से हमारा ये भावार्थ था, आप सभी को भावार्थ समझ में आया होगा यह मैं आशा रखती हूँ। अब इसी के साथ मैं आपको इसी के क्वेश्चन आंसर भी अभी साथ साथ में करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ हम वर्ग बुक में देखेंगे कि वर्ग बुक में पेज नंबर 201 वह वर्ग बुक में क्वेश्चन है, देख लीजिए और डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे। तो यहाँ पर कोटेशन नंबर 2, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चला रहा टलकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। इसमें क दो टुक का अर्थ होता है दो टुकड़े, पद पर आता पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है दो टुक, कवि एक दीनहीन विवश भिखारी का शब्द चित्र कर रहे हैं। एक भिखारी अपनी दुर्व्यवस्था के कारण व्यथित होता हुआ और अपने जीवन पर पछतावा करता आगे बढ़ रहा है। और नंबर पर इसमें क्वेश्चन है, भिखारी अपनी भूख शांत करने के लिए क्या कर रहा है। तो आंसर है भिखारी भूख के कारण व्याकुल है, अपना हाथ पेट पर मलते हुए एक हाथ फैला रखा है कि कोई व्यक्ति उसे खाने के लिए कुछ दान दे दे और वह अपनी और अपने बच्चों की भूख शांत कर सके। ग नंबर, भिक्षु कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है भिक्षु कविता में निराला उस उपेक्षित वर्ग को अपनी समस्त करुणा समर्पित करते हैं जिन्हें समाज व्यक्ति मानने की भी इच्छा नहीं रखता। निराला यहाँ एक भिक्षु का बिंब प्रस्तुत करते हैं जो असहाय जर्जर टूटा हारा है, भोजन की अनुपलब्धता समाज की उपेक्षा और उसके बीच भी जीवित बने रहने की जिजीविषा को टटोलता, यह भिक्षुक निराला की दृष्टि का केंद्र बनाता है। निराला उसकी इस स्थिति को देखकर विक्षुब्ध है। एक और पूंजीपति वर्ग की आकाश चुंबी अट्टालिकाएँ दूसरी ओर भोजन तक न मिलने
न भय स्कर हो पाने की स्थिति कवि को आक्रोशित करती है। यहाँ पर आगे देखेंगे घ नंबर, इस कविता के आधार पर समाज में व्याप्त विरोधाभास का वर्णन कीजिए। आंसर है, कवि निराला ने भिक्षु कविता में कवि की दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि ने सामाजिक वैषम्य को दिखाया है। एक और प्रचुर धन संपदा का स्वामी धनिक वर्ग है, तो दूसरी ओर अनेक मनुष्य पेट भरने के लिए भिक्षावृत्ति का आश्रय लेने पर विवश हैं। कवि उनके कष्टों के निवारण हेतु तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने का संकल्प कर उठते हैं। वे अपने स्नेह से भिक्षुक की दयनीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं। कोटेशन 3, साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते। इसमें क नंबर देखेंगे, इस पद्यांश के आधार पर भिक्षुक बच्चों का शब्द चित्र अंकित करो। तो यहाँ पर आंसर है, वे भूख के कारण व्याकुल हैं, बाएं हाथ को पेट पर मल रहे हैं और दाहिना हाथ आगे फैला रखा है। शायद कोई दयालु एक संपन्न व्यक्ति कुछ भोजन या पैसे उन्हें भिक्षा के रूप में दे दे। भूख प्यास के कारण उनके ओंठ सूख चुके हैं। ख नंबर, दया दृष्टि से क्या तात्पर्य है? बच्चे किस व्यक्ति की दया दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों? आंसर है, दया दृष्टि का अर्थ है सहानुभूति से व्यक्त दृष्टि। दया दृष्टि से यह तात्पर्य है कि कोई इंसान को इन बच्चों पर दया आ जाए और अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए कुछ दे दे। बच्चे कठोर हृदय मनुष्यों की दया दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वे शायद उन्हें कुछ भोजन या पैसे भिक्षा के रूप में दे दें। आगे घ नंबर देखेंगे, आंसुओं के घूट पीना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कवि ने यह किनके विषय में कहा है और क्यों? तो आंसर है, इस मुहावरे का अर्थ है अपने दुख को मन में ही दबाकर निराशा और व्याकुल होना। यहाँ भी ऐसे मन में दबाकर रखना भी हो सकता है और निराशा और व्याकुल होना भी हो सकता है। कवि ने यह उस बूढ़े भिखारी और उनके दोनों बच्चों के विषय में कहा है, क्योंकि कुछ भोजन एवं पैसे पूरे दिन भीख मांगकर भी न मिले और भूखे प्यासे अपने आंसुओं के घूट पी रहे थे। घ नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तो तत्सम शब्द क्या है, जिसे हमारे जो हिंदी है उसको किस तरह से थोड़ा संस्कृत भाषा में बदला है उसे, ठीक है। हाथ का होगा हस्त, सुख का होगा सूखा, ओठ का होगा होंठ, आंसू का होगा अश्रु। आगे देखेंगे हम, भिक्षावृत्ति एवं सामाजिक कलंक है किस प्रकार, स्पष्ट करें। तो आंसर है, भिक्षावृत्ति देश पर कलंक है, इससे व्यक्ति का आत्मगौरव नष्ट होता है। बार बार मांगने से व्यक्ति की आँखों की शर्म नष्ट हो जाती है। यदि व्यक्ति स्वाभिमानी हो तो वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। भिक्षावृत्ति एक दंडनीय अपराध है। भीख देने वाले
और लेने वाले दोनों को दंडित किया जाना चाहिए। कबीरदास जी ने भी यह कहा है कि इससे हमारे समाज में हो रही दुविधाएं नष्ट हो जाएंगी और हमारा भारत देश सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ भिक्षुक कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर सब कुछ हो चुका है। ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो देख लेना, या फिर हमने पीडीएफ भी भेजी, आप पीडीएफ देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।